हम लोगों के पास में बहुत सारे पुराने कंप्यूटर बनने आते हैं, जैसे ये कंप्यूटर बनने के लिए आया हुआ है। कस्टमर कहते हैं कि सर हमारे कंप्यूटर विंडो XP चलता है, विंडो 7 चलता है, आप चाहते हैं कि अपने कंप्यूटर में ना अपग्रेड करा करके हम विंडो 10 चलाएं, विंडो 11 चलाएं, तो क्या पार्ट चेंज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर जिसके माध्यम से आप नया ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर सके। जानना चाहते हैं, पुराने कंप्यूटर नया बनाना चाहते हैं, तो पूरे वीडियो के लास्ट तक बनाइए, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देता जो आपके लाइफ में काम आएगा। हमारे चैनल पहली बार आए हुए हैं कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड, वीडियो देखना पसंद करते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड, जब कोई वीडियो बनाएंगे तब पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो CPU है ना, इसके बहुत सारे पार्ट लगे रहते हैं, इसका हम दो पार्ट इस्तेमाल करने जा रहे हैं। एक यूज़ करने जा रहे हैं इसका SMPS, हम ये SMPS यूज़ करेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे हम जो ये डब्बा इनका, क्योंकि कस्टमर ने कहा कि कुछ बजट कम होना चाहिए, तो दोनों यूज़ कर रहे हैं। मॉनिटर पुराना रहेगा, कीबोर्ड पुराना रहेगा, और ये आपका माउस पुराना रहेगा। इसके अंदर जो मदरबोर्ड पहले लगा हुआ है, मदरबोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है, और उसमें रैम लगा हुआ DDR3 रैम लगा हुआ है। अब क्या करने जा रहा है, इसके हम ला दिए हैं दूसरा मदरबोर्ड, देखिए ये जेब्रोनिक्स कंपनी का, ये दिख रहा ना, ये जेब्रोनिक्स कंपनी मदरबोर्ड है ये, और ZEB S61 NVMe LGA 1155 सॉकेट है, ये जेब्रोनिक्स कंपनी का, 2 साल की वारंटी है। ये ऋतिक रोशन इसके ब्रांड एम्बेसडर है। इसकी MRP में चेक कर लेता हूँ कितने रुपये लिखा हुआ है, लेकिन जितना MRP लिखा रहता है उतने रुपये होता नहीं है, और अभी MRP नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर है। ठीक है सॉकेट 1155 इंटेंट डोल सेलॉन करेगा, और i7 i3 i5 CPU सीरीज करेगा ये, ठीक है। और इसके अंदर सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन काम करेगा, DDR3 का रैम काम करेगा, 2 स्लॉट दिया हुआ है, 16 GB का मैक्सिमम सपोर्ट करेगा, मतलब आपका आराम से जो है विंडो 10 या विंडो XP चल सकता है। बहुत सारी चीज़ें आती है, फोटो खींच लीजिए इसका, और इसको हम खोल लेते हैं, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसका। हमें देखिए इस मदरबोर्ड के अंदर एक दिया हुआ है, ये आपका साटा केबल दिया हुआ है, इसके माध्यम हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हैं। ये दिया हुआ है आपका एक ब्रैकेट पीछे लगाने के लिए, CD का दिया हुआ है कि मतलब आपको विंडो के अंदर ड्राइवर लोड करना है तो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन अब कंप्यूटर में CD ड्राइव होता नहीं है इसलिए मुश्किल है लोड करना, हम इंटरनेट डाउनलोड कर लेंगे। पैम्पलेट है, ये कुछ बुक दिया हुआ है, उसको निकाल लेते हैं। देखिए ये है मदरबोर्ड 1155 सीरीज का है ये, और इसको हम खोलते हैं, और ये कवर लगा हुआ है, लिखा हुआ टेंशन, इसको ऐसे हमने खोल लिया, और इसके बाद ये टेप दिया हुआ है, इस टेप को भी हम ऐसे निकाल लेते हैं। छोटा मदरबोर्ड कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया मदरबोर्ड, ये देखिए ये मदरबोर्ड है ये, ठीक है। इसमें पहले हम बात कर ले कौन कौन सा पोर्ट दिया हुआ है। इसका मॉडल नंबर है H61 है, ये S61 है, ये कोर S61 है, कोर i3 का फर्स्ट सेकंड जनरेशन में काम करेगा। इस पर डब्बे पे सेकंड लिखा है, लेकिन दुकानदार ने बोला सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन काम करेगा। देखिए 1, 2 USB पोर्ट, 3, 4, 5, 6 USB पोर्ट दिया इसके अंदर, उसके बाद HDMI पोर्ट भी दिया हुआ है, मतलब मॉनिटर कनेक्ट करना, TV कनेक्ट करना, उसके बाद VGA पोर्ट भी दिया, दोनों पोर्ट दिया हुआ, दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। LAN पोर्ट भी दिया हुआ, LAN अगर आपको लगाना है, इनके LAN पोर्ट भी दिया हुआ, और इसके अंदर 3 ये दिए हुए हैं आपका, ये आपको जो है स्पीकर लगाना है, माइक लगाना है, और एक बड़ी अच्छी चीज़ इसके अंदर दिया हुआ, देखिए स्लॉट दिया हुआ है, NVMe स्लॉट दिया हुआ है। मान लीजिए आपको छोटा वाला NVMe लगाना है तो यहाँ पर लगा देंगे, स्पीड अच्छी मिलेगी। दुकानदार से हम कस्टमर से हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम NVMe लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो चुका। और देखिए आज के डेट में ना मार्केट के अंदर ऐसा CPU आता है, एक कोर i3 का CPU है, और 1 साल की वारंटी साथ में दुकानदार देते हैं। यहाँ लिखा हुआ देखिए इंटेल कोर i3 लिखा हुआ है, इसके ऊपर टिक मार्क है, और जनरेशन दिया हुआ है फर्स्ट जनरेशन, इस पर टिक मार्क है, ये इसके वो CPU हम लगा देंगे। CPU कैसे लगाएंगे दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए CPU दिया है, इसको सिंपल तरीके से ऐसे निकाल लेते हैं, ये CPU ऐसे निकल जाएगा, और ये CPU यहाँ पर ऐसे लग जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर कोर i3 का और कट मार्क जो दिया हुआ है, देखिए इसको हम बैठा देते हैं यहाँ पर, देखिए धीरे धीरे फोर्स होकर बैठ गया, उसके बाद में ऐसे करके ये CPU यहाँ पे बैठ गया, बैठ गया, उसके बाद CPU फैन हम लगाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है, अब देखिए ये मशीन हम लगा दिया, ये मदरबोर्ड लग गया, मदरबोर्ड मोटा मोटी मान लीजिए दुकानदार ने कहा कि 2000 रुपये के अंदर आ सकता है। जैसे हम गोरखपुर में रहते हैं तो हमारे वहाँ प्राइस अलग होगा, आप उसे लखनऊ से देख रहे हो वहाँ प्राइस अलग होगा, दिल्ली का अलग है, लेकिन आप बोलिए कि जेब्रोनिक्स का हमको मदरबोर्ड चाहिए S61 2000 के अंदर ये मिल जाएगा। CPU जाएंगे दुकान मार्क लेने के लिए, CPU जो आया हुआ है ये आपका 500-600 मिल जाएगा, अलग रेट होगा, मतलब 2000 रुपये का मान लीजिए मोटा मोटी, 500-600 रुपये का ये हो गया, 600 मान लीजिए ये हो गया, उसके बाद 200 रुपये का फ़ैन हो गया, कितना हो गया 2000 2800 रुपया, 2800, उसके बाद लगा दीजिए M.2 का NVMe 256 GB का लगा देंगे आप, तो 2000 रुपये का लग जाएगा NVMe लग जाएगा आपको, 2800 200 रुपये, मतलब 5000 रुपये हो गया,
5000 में आपका इसमें विंडो लोड कर लिए, विंडो 10 लोड कर दिए और विंडो 11 लोड कर दिए, आपका एक सीपीयू स्पीड तैयार हो जाएगा इसके माध्यम से आपको स्पीड मिलने वाला, एसएमपी स्पेस कस्टमर दिया हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कंप्यूटर सस्ते में खरीदना, तो ये वाला पार्ट खरीद करके आप कंप्यूटर असेंबल कर सकते हैं, या अपने पुराने कंप्यूटर में इस पार्ट को लगा करके आप कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा सकते हैं और आपके कंप्यूटर में फिर उसके बाद जो है विंडो 10 इस्तेमाल हो जाएगा, विंडो 11 चाहे विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं, या विंडो 7 के आप यूज टू हैं तो विंडो 7 चला करके अपना काम करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें दो रैम स्लॉट दिया हुआ, एक DDR3 के दो रैम स्लॉट दिया हुआ, ये दो रैम स्लॉट है, 1, 2, 3, 4 साटा पोर्ट दिया हुआ है और ये PCI एक्सप्रेस दिया हुआ कार्ड, मुझे लगता है गेमिंग के लिए कोई बच्चा गेम खेलना चाहता है इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड भी लग जाएगा, यहाँ दिया हुआ है और सारी चीज़ें, और बहुत कॉम्पैक्ट दिया हुआ है, कॉम्पैक्ट है ये और कॉम्पैक्ट तरीके से ये है। दुकानदार ने कहा इसके सामने 2 साल की वारंटी है और जेब्रोनिक्स कंपनी अच्छी कंपनी है, इसको ले करके आप घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और मुझे लगता है कि DDR3 यहाँ सपोर्ट करें दोस्तों। देखिए मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग पुराना कंप्यूटर घर में पड़ा पड़ा डब्बा हो रहा है ना, तो डब्बा मत बनने दीजिए, उसमें कुछ ऐसे पार्ट इंपॉर्टेंट 4-5 खर्चा करके अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करिए और उसके अंदर विंडो 7 लोड कर दिए, विंडो 11, विंडो 10 लोड करके अपने कंप्यूटर चला सकते हैं, बच्चे खुश हैं दोस्तों। तो मैं चाह रहा था वीडियो बना को दिखा दो आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट आ रहा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप भी कंप्यूटर संभल करिए घर के लिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो शेयर करिए, दुनिया में बहुत सारे लोग जो है अपने कंप्यूटर संभल करना चाहते हैं उस वीडियो के माध्यम से भी कर सकते। चलिए आप सब लोगों को नमस्ते दोस्तों।